सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेक्नो i3 में गेमिंग टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि ये फोन गेमिंग परफॉर्मेंस में कैसा है। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ यश, आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्रदर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी गेमिंग टेस्ट। सो फ्रेंड, मैं आप लोगों को इस फ़ोन में गेमिंग टेस्ट करके दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि ये फ़ोन गेमिंग परफॉर्मेंस में कैसा है। तो ये फ़ोन है टेक्नो का i3। अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो इसकी अनबॉक्सिंग भी हमने कर दी है, उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इसकी अनबॉक्सिंग भी देख सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को इस फ़ोन में 3 गेम्स प्ले करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं प्ले करने वाला हूँ GTA San Andreas, उसके बाद मैं प्ले करने वाला हूँ ड्रीम लीग 2018 सॉकर, और उसके बाद मैं प्ले करने वाला हूँ नीड फॉर स्पीड। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट गेम को इसमें प्ले करके देख लेते हैं। तो चलिए मैं गेम इससे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सो फ्रेंड, ये बजट प्राइस का स्मार्टफोन है, ये आप लोगों को 7000 में अवेलेबल हो जाएगा। तो स्टार्ट हो चुकी है हमारी गेम, चलिए हम इसे प्ले करके देख लेते हैं। सो फ्रेंड, ये गेम इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथली रन हो पा रहा है, आप देख सकते हैं। कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई भी ग्राफिकल इशू इसमें नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथली इसमें रन हो पा रहा है ये। और GTA San Andreas काफ़ी हैवी गेम है, ये आप लोगों को 2.35 GB का गेम है, 2.35 GB में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा गेम है और काफ़ी हैवी ग्राफिक्स यूज़ करता है, तो देख सकते हैं कि ये गेम इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें रन हो पा रहा है। सो फ्रेंड, आप इस फ़ोन में GTA San Andreas काफ़ी अच्छे से प्ले कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए काफ़ी स्मूथली तरीके से इसमें रन हो पा रहा है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा और प्ले करके दिखा देता हूँ। इसके कंट्रोल भी काफ़ी स्मूथ हैं, तो आपको प्ले करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें आप GTA San Andreas प्ले कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे इस गेम को प्ले करने में, पर मुझे अभी तक कोई भी इसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है। काफ़ी अच्छे तरीके से इस फ़ोन ने इस गेम को हैंडल किया हुआ है, आप देख सकते हैं कोई भी इसमें ग्राफिकल इशू नहीं है, काफ़ी अच्छे से इसमें रन हो पा रहा है। सो फ्रेंड, इस गेम को तो इस फ़ोन में काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ है, तो आप इसमें GTA San Andreas काफ़ी अच्छे से प्ले कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। सो फ्रेंड, अब अपने सेकंड गेम को प्ले करके देख लेते हैं। तो हमारा सेकंड गेम है ड्रीम लीग सॉकर 2018, तो हम इस गेम को भी प्ले करके देख लेते हैं। तो GTA San Andreas तो इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से रन हो पाया है, आप इसमें GTA San Andreas काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं। तो देखिए हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को मैच करके दिखा देता हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छा गेम है फ्रेंड्स, और इसके भी ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट हो चुकी है हमारी मैच।
तो देखिए फ्रेंड, इस गेम के भी ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं और ये भी गेम इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से रन हो पा रहा है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड, इस गेम को भी प्ले करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये भी गेम इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथली रन हो पा रहा है, इसमें भी कोई ग्राफिकल इशू नहीं है। तो आप इस गेम को भी इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फ्रेंड देखिए, हमने गोल भी कर लिया है कंप्लीट और इस गेम को भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें प्ले कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। सो फ्रेंड चलिए हम अपने थर्ड और लास्ट गेम को भी प्ले करके देख लेते हैं। तो हमारा थर्ड गेम है नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, तो चलिए मैं इसे भी आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। तो हम अपना रेस ट्रैक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से अपना कार सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो बाकी दोनों गेम्स तो इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले हो पाए हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। हम अपने थर्ड गेम को भी इसमें प्ले करके देख लेते हैं कि ये गेम इसमें कैसे रन हो पाता है। तो देखिए मैंने कार सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है लोडिंग। तो फ्रेंड स्टार्ट हो चुकी है हमारी रेस, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो देखिए हम इस गेम को भी इसमें प्ले करके देख लेते हैं। तो ये भी काफ़ी हैवी गेम है और इसके भी ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी हाई ग्राफिक्स गेम है ये। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि ये गेम भी इसमें काफ़ी स्मूथली तरीके से रन हो पा रहा है, किसी भी प्रकार की इसमें लैगिंग नहीं है, ग्राफिकल इशू नहीं है, काफ़ी स्मूथली इसमें रन हो पा रहा है, ये देखिए। काफ़ी अच्छे से इस गेम को मैं इसमें प्ले कर पा रहा हूँ। तो आप इस गेम को भी इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से खेल सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
सो फ्रेंड देख सकते हैं काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे इस गेम को प्ले करने में, मुझे पर अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। काफ़ी स्मूथली तरीके से इस गेम को इसने हैंडल किया हुआ है। तो आप इसमें नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं। बाकी दोनों गेम्स भी इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से रन हो पाए हैं, तो आप इसमें इन तीनों गेम्स को काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लेके आते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।